हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे स्थानीय भाषा में खाम बाबा कहा जाता है। भारत के प्राचीन स्तंभों में से एक है। राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर स्थित विदिशा में वेश नदी के उत्तरी तट पर है। यह लगभग 2000 साल पहले पत्थर से बनाया गया था, जो आज भी सुरक्षित है। इसकी ऊंचाई 20 फीट 7 इंच है। यह विशाल स्तंभ आज भी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है। इसे खाम बाबा, खंबा बाबा या खाम बाबा या हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसे स्तंभ या गरुण ध्वज भी कहा जाता है। स्तंभ को दूसरी शताब्दी में शुंग शासक बागभद्र के शासनकाल में ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया। नौवे शुंग शासक महाराज बागभद्र के दरबार में तक्षशिला से यवन के राजा अंतर्लिखित की तरफ से हेलियोडोरस को राजदूत बनाया गया था। इसने वैदिक धर्म की व्यापकता से प्रभावित होकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। उसी ने भक्ति भाव से एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और उसके सामने गरुड़ स्तंभ बनवाया।